सदर को कचरा बनाया हुआ, सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं मगर कचरे का ढेर बना के रख दिया। जहाँ से टैक्स इतना वसूल करते हो वहाँ थोड़ा बहुत खर्च भी कर दो। ये हमारे पास कोई पार्किंग नहीं है, कोई कस्टमर आता है तो उसको डर यही लगा रहता है कि वो उसकी गाड़ी उठ जाएगी। चार चार घंटे की सबसे बड़ी बात है लाइट जाती है, लाइट से बहुत परेशान है। हुकूमत को क्या कहना, हमारी हुकूमत तो फेल है, ये हमारे लिए तो ये हुकूमत है ही नहीं कुछ भी हमारे लिए। अस्सलामुअलैकुम, टाइम्स ऑफ कराची से एक नई स्टोरी के साथ मैं हूं अंजार अहमद। मैं मौजूद हूं कराची शहर, और कराची शहर जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेड करता है, मैं मौजूद हूं कराची की सबसे बड़ी मार्केट सदर में, और ये सदर मार्केट हाईएस्ट पेड मार्केट है। लेकिन यहां के दुकानदारों को क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो कितना मुतमईन है, उनसे जानते हैं। अच्छा बताएं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेड करता है वो शहर कराची है, और जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है वो सदर मार्केट है। तो यहाँ पे काफ़ी टैक्स तो आप लोग जमा कराते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मुतमईन है? कोई फैसिलिटी नहीं मिलती मेरे भाई, यहाँ जब बारिश होती है ना सारा पानी दुकान के अंदर आता है, इतनी ट्रैफिक होती है, सही है, और क्या कहते हैं, इतनी ट्रैफिक होती है और कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ दो दफ़ा चोरी हुई है दुकान में। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अच्छा, सदर मार्केट पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड मार्केट है, तो क्या दुकानदारों को फैसिलिटीज मिलती है इतने टैक्स देने के बावजूद? दुकानदार को फैसिलिटीज ये मिलती है कि दुकानदारों का काम फिलहाल तो ज्यादा टैक्स होने के बाद बिल्कुल खत्म है, जो आपके सामने मार्केट है। दूसरी बात ये है, हमारे पास कोई पार्किंग नहीं है, कोई कस्टमर आता है तो उसको डर यही लगा रहता है कि वो उसकी गाड़ी उड़ जाएगी। तो फैसिलिटी तो कुछ नहीं है, सिर्फ टैक्सी बढ़ाई जा रहे हैं। क्या पैगाम है हुकूमत? हुकूमत वक्त को ये पैगाम देंगे कि होश के नाखून लें, थोड़ा सा जागें और जाग के सोचें, रात की नींदों में मत सोचें, सुबह उठ के सोचें। और इस मार्केट के हवाले से? इस मार्केट के हवाले से भी भाई यही बात है कि मतलब अब काम जो है बहुत नीचे जा चुका हुआ। अच्छा बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है और सबसे बड़ी मार्केट सदर है, हाईएस्ट पेड मार्केट है टैक्सेस के हवाले से, लेकिन यहाँ पे दुकानदारों को क्या फैसिलिटीज मिलती है? कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ जीरो। हमें तो इस दफा लॉकडाउन में तो बर्बाद करके रख दिया। अच्छा ये बताएं, टैक्सेस के हवाले से इतना टैक्स देते हैं, वो आप लोगों को फैसिलिटीज क्या क्या मिलनी चाहिए जो नहीं? कुछ नहीं मिलती यार, हमें तो खुद याद नहीं रहा है कि हमें क्या होना चाहिए। हम टैक्स देते हैं हमारे मार्केट के, ये देखो बाहर देखो जाके कचरा पड़ा हुआ है, हम लोग खुद उठा उठा के बाहर फेंकते हैं। तो यार फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट ने देनी है, हम बोलेंगे तो थोड़ी देनी है, ये नाकारा हुकूमत है। क्या पैगाम है हुकूमत का? मौत वक्त को पैगाम यही है कि भाई जहाँ से टैक्स इतना वसूल करते हो वहाँ थोड़ा बहुत खर्च भी कर दो। हम लोगों तो हजरत कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो हम लोगों पर अजाब आया हुआ होता है, और दूसरा यहाँ पे सदर को कचरा बनाया हुआ, सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोग देते हैं मगर कचरे का ढेर बना के रख दिया है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि ना ये सदर को ना थोड़ा तरक्की याफ्ता बना दें, कम से कम यहाँ की लाइटें वगैरह, सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ का कोई सिग्नल नहीं चलता, बस ये ब्लॉक रहता है, एनी टाइम जाम रहता है, तो इसके लिए कुछ काम करें, हुकूमत से दरख्वास्त है कुछ काम करें। नहीं, हमसे बिल्कुल मुतमईन नहीं है, चार चार घंटे की सबसे बड़ी बात है लाइट जाती है, लाइट से बहुत परेशान है, और दूसरी बात है हर वक्त यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, ट्रैफिक इतना जाम है कि कस्टमर नहीं आता। टैक्स तो हम देते हैं लेकिन हमें उस टैक्स से मुतवादिल कुछ भी नहीं मिलता, बस ये सह कि ज़िंदगी गुजर रही है, बस कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई निज़ाम सही नहीं है। अभी बारिश हुई थी, पानी सामने जमा हो जाता है, कोई बेनिफिट या कोई टैक्स टाइम पे करते हैं, टैक्स तो लाजमी बात है, टैक्स छोड़ेंगे तो हुकूमत वक्त को क्या पैगाम? हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देंगे, जब 50 साल से हम भुगत ही रहे हैं। नेमुल बदल नया पाकिस्तान की सोच थी मगर वो नया पाकिस्तान उस जैसा नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो इमरान खान ने बोला था कि नया पाकिस्तान होगा, हर चीज़ देखो हमारे साइन बोर्ड ही सारे तोड़ दिए गए। भाई हमारे को जो टैक्स हम देते हैं ना उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर, ठीक है ना, उसके अलावा सिर्फ बस समझ लो कि लाइट नहीं है, ट्रैफिक का आप ट्रैफिक देख लो आप, ट्रैफिक जाम है, कस्टमर नहीं है, तो इस वजह से हमारे को इसके बदले कुछ भी नहीं मिलता टैक्स के बदले। परेशानी कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं और लाइट चले जाती है दो दो घंटे के लिए,
यहाँ के दुकानदारों को क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, कितने मुतमईन हैं आप और क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हमें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ का निज़ाम भी इस कदर ख़राब है कि यहाँ ट्रैफिक से लेके और बाकी थी ये पतारे ये वो सारा बिल्कुल निज़ाम धर्म भरा है। किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो घंटों जाम रहता है। अगर कोई मसला हो जाए तो सबसे पहले कराची के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासर जो होने वाला इलाका है वो हमारा सदर है। फायरिंग कहीं होती है बंद ही होता है, हंगामा राई कहीं होती है बंद ही होता है, कोई जलसा जुलूस होता है इलाका ये जाम होता है ये बंद होता है। कुछ भी हो जाए पूरे कराची में सबसे ज़्यादा मुतासर ये हमारा इलाका सदर होता है। क्या पैगाम है हुकूमत वक्त? हमारी गुजारिश है उनसे इसके बारे में कुछ सोचें, करें इसके मार्केट के लिए कुछ करें, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये बताएं कि सदर मार्केट, आप इस सदर मार्केट में कब से? मेरे को 25 साल हुआ है, 25-30 साल पैदा सदर में हो गया, 72 साल उम्र है मेरी। अच्छा, आप कराची की सबसे बड़ी मार्केट है सदर, आप यहाँ पे 25 साल से हैं। ये मार्केट सबसे ज़्यादा टैक्स हाइयर टैक्स पेड है, तो लेकिन यहाँ के दुकानदारों को क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? यहाँ के दुकानदारों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कचरा बहुत ज़्यादा होता है इधर, ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना धुआं प्रदूषण। इनको चाहिए ट्रैफिक के निज़ाम को ये लोग सही करें, दूसरी चालें बनाएं, इसकी ट्रैफिक की चालें दूसरी बनाएं, कोई ऐसा हिसाब बनाए कि ट्रैफिक का ये कम हो। क्या पैगाम है हुकूमत से? हुकूमत से पैगाम यही है, अल्लाह ताला जो है इनको जो है टैक्स जो लेते हैं रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जो है इन इदारों को पैसा दे और हमारी ये ख्याल करे इन चीज़ों का, सफाई का, सुथराई का, ये ट्रैफिक का। फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हम लोगों को भाई, कुछ भी नहीं मिलता हम लोगों को यहाँ पर। हम लोग यहाँ के टैक्स भरते हैं, हर चीज़ भरते हैं, बिजली का बिल वगैरह हर चीज़ भरते हैं, पर कोई भी हमारे को कोई सहूलत नहीं है जो हमारे को सहूलत मिलनी चाहिए यहाँ पर। हाँ, सब 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 हम भरते हैं। अच्छा, क्या पैगाम है हुकूमत से? पर हुकूमत से यही पैगाम है कि भाई अपनी आँखें खोल लें, जाग जाएँ। हमने वोट भी दिया इमरान खान साहब को, पर खान साहब हमारी सुनते ही नहीं है। कराची की सबसे बड़ी मार्केट सदर, जहां दुकानदारों का कहना है कि यहां पे हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई भी फैसिलिटीज़ मुयसर नहीं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, देखते रहिए द टाइम्स ऑफ कराची।